अरे तुम लोग घर बैठ के दिवाली बना रहे हो तुम लोग। अबे तुम लोगों ने कभी सोचा जो बाहर फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं, माँ भूखी सो रही है, उनका क्या किया जाए? तुम लोग पटाखे फोड़ रहे हो, पटाखे फोड़ने से आखिरकार होगा क्या? पटाखे फोड़ने से उन पटाखे के पैसों को बचा के ना गरीब लोगों को पैसे दीजिए। जो लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए। फुटपाथ पे भूखे सोते हैं लोग, आप लोग 50-50 हजार रुपए पटाखे फोड़ देते हो 5-5 मिनट के अंदर। 50-50 हजार रुपए पटाखे, इस बार पटाखे ना फोड़कर फुटपाथ पे जाना, वहां पर देखना गरीब लोग कैसे रहते हैं। देखना तुम लोग गरीब लोग कैसे रहते हैं, कैसे वो लोग रोड पे सोते हैं। उनके लिए खाने तक का, रहने के लिए घर तक नहीं होता, खाने के लिए वो नहीं होता राशन। आप लोग बम पटाखे में दिवाली के टाइम में पटाखे फोड़ोगे, एक बार देखना हालत इस माँ की। माता जी यहाँ पर आइए, ये एक माता जी अपनी चार बच्चे, इधर आओ, पांच बच्ची को लेकर फुटपाथ के साइड में सो रही है। और दिवाली के मौके पे कोई आया आपको सपोर्ट करने के लिए? कोई नहीं आता। फिर तुम लोग बोलते हो ना कि थारा भाई जोगिंदर ये सपोर्ट कर रहा है, ये कहाँ जाएगा गरीब लोग बताओ? फुटपाथ के साइड में दिवाली के टाइम में तुम लोग पटाखे फोड़ोगे, इस बार पटाखे मत फोड़ो, इन गरीब लोग को सपोर्ट कर दो। इनके लिए रहने तक के लिए ना घर नहीं है, रहने तक के लिए घर नहीं है, फुटपाथ के साइड में ठंड में रहकर देखो एक बार 5 मिनट के लिए, पता चल जाएगा गरीबी क्या होती है। बेटा इधर आओ, आपका क्या नाम है बेटा? सपना। बेटा आपको खाना वाना मिलता है? नहीं मिलता। देखो एक गुड़िया, ये नन्नी गुड़िया। बेटा आपकी उम्र कितनी है? 8 साल। ये भूखी माँ, देखना बच्चा कैसे लग सो रही है। माता जी दिखाना बच्चों को, देखना ये भूखा लड़का, एक भूखी माँ फुटपाथ के साइड में। अबे क्या क्या फायदा दिवाली बनाने का, क्या फायदा ऐसा त्यौहार बनाने का? तब गरीब लोग भूखे मरेंगे रोड पे। तुम लोग पटाखे फोड़ रहे हो, अपने घर में खुशियां बना रहे हो, त्यौहार बना रहे हो, अपना घर सजा रहे हो लड़ियों से, पर इन गरीब लोग की तरफ देखना। पूरे हिंदुस्तान से हाथ जोड़कर थारा भाई जोगिंदर यही कहना चाहेगा, इन गरीब लोगों की तरफ देखो। माता जी आपके पति क्या करते हैं? विकलांग है सब, रोड पे यहाँ पे सो रहे सब। विकलांग है? कहाँ पर रहती हो आप? यहीं रहते हैं सब। फुटपाथ पे रहती हो? ये गुड़िया भी वहीं सोती है? वहीं सोते हैं। इसकी उम्र क्या गुड़िया की? 4 साल में लगी। 4 साल लग रही है। आप देखना एक गरीब माँ हालत, देखना एक गरीब माता की। अगर हमारी माँ अगर ऐसे सोए फुटपाथ साइड में, हमारा दिल के अंदर क्या बीतेगी? क्या फायदा दिवाली बनाने का? इस माता को सपोर्ट करना जितना हो सके। पूरे हिंदुस्तान को एक बात कहूंगा आप लोगों को, हिंदुस्तान में अगर कहीं पर आदमी मिल जाए ना भूखे सो रहे हैं फुटपाथ के साइड में सो रहे हैं, उनको सपोर्ट करना ज्यादा से ज्यादा, जितना हो सके ना उनको सपोर्ट करना। इन लोग के लिए कुछ नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा। कोई नहीं, एक काम करो बेटा, खिड़की खोलो। माता जी खिड़की खोले वाली, खिड़की खोलो, आप खोलो खिड़की। राशन निकालो, मैं बांटूंगा राशन। निकालो माता जी, यहाँ पर आटे कट्टा रखा है, आटे कट्टा निकालो आप। निकालो, ये बर्फी का डब्बा निकालो, ये निकालो बच्चे के लिए, निकालो आप। निकालो बेटा, निकालो सारे। ये नहीं, टोपी नहीं, ये निकालो, ये भी निकालो, सारा सामान निकालो, जितना हो उसका निकालो। जोगिंदर सपोर्ट करेगा थारा भाई जोगिंदर, जितना मुझसे होएगा ना, अपने भारत के हर हिंदुस्तान के हर माता हर बहनों को थारा भाई जोगिंदर सपोर्ट करेगा। पूरे हिंदुस्तान को यही कहना चाहूंगा, इस बार दिवाली का त्यौहार बनाओ, खुशियों के साथ बनाओ, अच्छे से बनाओ, पर पटाखे मत फोड़ना इस बार। उन पैसों को बचा करना, गरीब लोगों को सपोर्ट कर देना, फुटपाथ में सॉरी उन माताओं को सपोर्ट करना, उन गरीब लोगों को वो करना, सपोर्ट करना, विकलांग लोगों को सपोर्ट करना, आप लोगों का कर्तव्य बनता है। एक दिन के अंदर आप लाखों 50-50 हजार रुपए उड़ा देते हो। उन लोगों को ना हेल्प करो, गरीब लोगों की जो फुटपाथ पे सो रहे हैं। हालत देखो रे माता की, एक बार इधर आओ माता जी, इधर आओ। कितने दिन से भूखे हो आप? आपसे कम से कम 5-6-7 साल हो गया। ऐसी रहते हो आप? फुटपाथ पे सोते हो? रोड पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं सब, फुटपाथ पे सोते हैं सब, सोता है। आपके पति विकलांग है? विकलांग पति है तो गाड़ी वाला रेड़ा दे के गया था ये। अच्छा, विकलांग है इनका पति? विकलांग पति है, मजबूरी में बैठी है रोड पे ये। ऐसी माँ कोई नहीं बैठता, जिनका पति कमाने वाला होता है ना, वो औरत ना अपनी हाउस वाइफ रहती है, घर के अंदर रहती है। ये माँ, इनका पति विकलांग है, इसलिए अपने बच्चों को लेकर देखो रोड पे कैसे रह रही है। एक माँ का दुख है ना, एक माँ समझ सकती है, बच्चा नहीं समझ सकता जिंदगी में। अगर तुम लोग चाहते हो ना इस माँ को सपोर्ट मिले, वीडियो इतनी शेयर करना, वीडियो लगातार शेयर करते रहना, ताकि हिंदुस्तान के हर जो लोग बेचारे रोड पे उनको सपोर्ट मिल सके। आप लोगों का कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य नहीं है। तुम लोग उठोगे, तुम लोग आवाज बनोगे इन गरीब लोगों की। बेटा इधर आओ, इधर आ बेटा, गुड़िया इधर आओ। बेटा आप भूखे सोते हो रात को? आपका घर वाला नहीं है कहीं? नहीं है। देखना मासूम सी लड़की, पढ़ने की उम्र में,
इनकी पढ़ने की उम्र है, इन बच्चों की पढ़ने की उम्र के अंदर ना ये लोग भीख मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं भीख? मजबूरी के कारण भीख मांग रहे हैं। ये माता जी, इनके पति है ना अपाहिज है, वो रोड पे सो रहे हैं। कहाँ गए माता, आपके पति रोड पे सो रहे हैं भूखे। भूखी माँ क्या नहीं करेगी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए? अगर आप लोगों को दो मिनट के लिए खाना नहीं मिलेगा ना, तो आप लोगों को पता चलेगा। देखो अपने बच्चे को, कितने साल का है बच्चा? कितने साल का है बच्चा? दो साल का बच्चा है। इस बच्चे को ये नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ कहाँ पर नहीं हूँ। ये देख गुड़िया सी, बेटा इधर आओ, देखना कितनी क्यूट लड़की है। अगर कोई अमीर बाप की बेटी होती ना, अमीर बाप की, शायद वो अपने बच्चों को ना ऐसे नहीं घेरते। उनसे भी सुतरी है, उनसे भी क्यूट लड़की है। देखो सेक्टरों में रहने वाली लड़की हो जैसी है, पर ये बेचारे ना पैसे नहीं है, इसलिए ये लोग फुटपाथ पे है। हिंदुस्तान के सारे भाइयों को यही कहूंगा, दिवाली बनाओ, अच्छे से बनाओ, धूम धड़ाके से बनाओ, पर इस दिवाली में इन गरीब लोगों को सपोर्ट करना है। हमारी भारत सरकार इनको इतना सपोर्ट कर रही है, इतना सपोर्ट कर रही है। आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि इन लोगों को सपोर्ट करें। आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों के राशन देके गया था तो कोई नहीं देके जाता है। यहाँ पर कोई नहीं राशन देके जाता है साहब। ये गाड़ी वाला आया था तो गरीब को, विकलांग को रक्षा देके गया था। खाना वाना कुछ नहीं देके जाता? कोई खाना तो देके जाता है, कोई कोई बार देके जाता नहीं, ऐसे ही सोके जाता है बाबा। अच्छा, पति के साथ क्या हो गया था आपके? आपके साहब वो पहले सही था, वो खड्डा खोदने के गया था। अच्छा, जमीन अपाहिज हो गया, विकलांग हो गया। माता जी आपकी एज कितनी है? मेरी 40 साल। 40 साल, 40 साल की उम्र में ना एक माँ की सेवा करने की उम्र होती है, उसके बच्चे उनकी सेवा करता है। पर ये माँ देख कहाँ जाएगी, ये माँ आखिरकार करेगी तो करेगी क्या? इनको सपोर्ट थारा भाई जोगिंदर करेगा। यो जोगिंदर, जितना मुझसे होएगा ना, घर घर मैं बनवाऊंगा, प्लॉट होगा प्लॉट लेके मैं दूंगा इनको, कपड़े मैं दूंगा इनको, चप्पल मैं दूंगा। इनकी बच्चे होगा ना स्कूल में एडमिशन, थारा भाई जोगिंदर करवाएगा। पर क्या हुआ, चप्पल कहाँ बेटा, आपकी चप्पल भी नहीं है, देखना नंगे पैर गुड़िया घूम रही है। बेटा इधर आओ एक बार, नंगे पैर देखना, ये छोटी छोटी गुड़िया नंगे पैर घूम रही है ठंड के टाइम में। इनको सपोर्ट की जरूरत है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर थारा भाई जोगिंदर नहीं घूम सकता, पर पूरे हिंदुस्तान को इस वीडियो के थ्रू एक बात बोलना चाहूंगा। आप लोग उठो, जागो, आप लोग गरीब लोगों को सपोर्ट करो। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो ये लोग भूखे मरेंगे बेचारे, भूखे। इनका कोई नहीं होता, इनका कोई भी नहीं होता, इनको कोई सपोर्ट नहीं करता, इनके पास कोई पैसा नहीं होता। अगर पैसा हुआ 5-10 रुपए की, किसी ने इनको भीख दे दिया, कोई पैसा वैसा दे गए, तो रात को ये खाना पी के सो जाते हैं, वरना रात को भूखा सोते हैं। आप लोग इनकी आवाज बनोगे, आप लोग उठोगे घर से, आप लोग के हाथ में इनको सपोर्ट कैसा करना है। इधर आओ। लड़की है, लड़का भी नहीं है आपके? लड़का नहीं है, दो लड़का हुआ तो वो गुजर गया, उसके पीछे अच्छा पांच लड़की होगी। लड़का नहीं है तो ये माता क्या करेगी, इनके बुढ़ापे में सारा कौन बनेगा? भाइयों, आप लोग अक्सर बोलते हो ना लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, ये चार लड़कियां, पांच लड़कियां, इस माँ की जिंदगी थारा भाई जोगिंदर संभालेगा। ये बहन है ना, ये लड़कियां, ये मेरी बहन के बराबर है। जितना मुझसे हो पाएगा मैं इनको सपोर्ट करूंगा। इस दिवाली 1 रुपया भी खराब नहीं करूंगा, ना लड़ी में, ना मकान में, ना पार्टी में, वो पैसा इनको ऊपर खर्च करूंगा। मेरा कर्तव्य बनता है, जब हमारी भारत सरकार इन लोगों के लिए इतना कुछ कर रही है ना, तो थारा भाई जोगिंदर भी इनको सपोर्ट करेगा। इन लोगों को सपोर्ट थारा भाई जोगिंदर करेगा। गरीब माता को देखना कैसे बैठी है वो माता। इनका भी मन करता है दिवाली वाले दिन अपने गाँव जाके खुशियां बनाने का, पैसे नहीं है गाँव जाने तक के, तो ये लोग दिवाली कहाँ से बनाएंगे। उठो, पूरे हिंदुस्तान को कहूंगा उठो, आप लोग सपोर्ट करो। आप लोग इनकी सपोर्ट बनोगे, और कोई इनकी सपोर्ट नहीं बन सकता। आप लोग सपोर्ट बनोगे, हर आदमी गरीब होता है। गरीब अगर गरीब रह के तो वो इंसानियत नहीं है। अगर आप लोग 10-10 रुपए भी दान दे दोगे ना इनको, 10-10 रुपए भी, पूरा हिंदुस्तान रोड पे जितने भी गरीब लोग सो रहे, 10-10 रुपए भी दे दोगे निकलते बढ़ते, आपका 10 रुपए से कुछ नहीं घटेगा। पर इन गरीब लोगों की ना दिवाली बन जाएगी दिवाली। आप लोगों ने दिवाली बना ली, पैसा खर्चा आता है, कंपनी से बोनस ले रहे हो, पर ये बोनस कहाँ से कमाएंगे? आप लोग सोचो, ये लोग कहाँ से क्या करेंगे? ये गरीब लोग जाएंगे कहाँ दिवाली के टाइम? खाने के लिए बर्फी तक के पैसे नहीं है, भूखे रहते हैं। दुनिया त्योहार बना रही है, पर ये लोग बेचारे भीख मांग रहे रोड पे। सपोर्ट आप बनोगे, पूरा हिंदुस्तान सपोर्ट बनेगा, पूरा देश जागेगा। एक माँ की कसम आप लोगों को, दिवाली मत बनाना। ये माँ रहते हैं यहाँ पर। माता जी इधर आओ एक बार, आप इधर आओ। आपका आप कहाँ पर रहती हो? फुटपाथ के साइड में। इन गरीब परिवार का हिस्सा आप लोगों, ये लोग गरीब है ना तो लोग इनकी तरफ देखते नहीं है, गरीब है। अगर अमीर होते ना शायद इनको सपोर्ट करते, पैसा से लेकर रिश्तेदार, पर कोई रिश्तेदार सपोर्ट में नहीं आता, कोई यार दोस्त सपोर्ट में नहीं आता, कोई सपोर्ट में नहीं आता। सपोर्ट में आएगा तो मेरा हिंदुस्तान सपोर्ट में आएगा।
पाँच दस रुपए दस बीस रुपए से कुछ नहीं होता। देखना नहीं देखना इन गुड़िया को, भूखी सो रही है बेचारी। देखो दूध दूध ही नहीं है इसमें, पानी पिला रही है अपने बच्चे को। एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का, एक माँ उसको पानी पिला के बेचारे को सुवा रही है। ये है हमारा देश, ये है क्या हमारा देश में? ये गुड़िया 1 2 3 बेचारी 4 4 10 10 साल की गुड़िया ये भीख मांग रही है। ये है क्या हम लोगों का कर्तव्य? इस माता को देखना क्या करेगी भाई। तब इनके पति या पाई जाए तो बेचारी क्या करेगी आखिरकार? इनके पेट तो बनाने साहब, बेचारे विकलांग है आदमी तो इनका पैर तो बनाने साहब। पैर पैर सपोर्ट में पैर पैर डलवाने हैं? नहीं कमर में ऑपरेशन मैं करवाऊंगा। आपके पति का क्या दिक्कत है? इधर आओ एक बार, आप इधर आओ। पति का क्या दिक्कत है? कमर में दर्द है साहब। ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है? नहीं मैं सपोर्ट करूंगा, ऑपरेशन मैं करूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है टेंशन मत लो। हिंदुस्तान के हर भाइयों से कहूंगा ये वाली बात, इन गरीब लोगों को देखना एक बार, इन गरीब लोगों की तरफ देखना, इनको सपोर्ट करना। आप लोगों का कर्तव्य बनता है सपोर्ट करना। इन लोगों का दुख ये लोग समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। जिसके पास पैसा है ना अंधाधुंध, जिसके पास पैसा है उनको पता नहीं चलता गरीबी क्या होती है, भूखे नंगे लोग कैसे होते हैं। ये देखो एक माँ अपने 2 साल के बच्चे को पानी पिला के रात को सुलाती है। क्या आप लोगों की माँ करती होगी? आप लोगों के साथ हर के आदमी की माँ सोचती है मेरा बेटा है ना दूध पिए अच्छी उम्र लगे, पर ये लोग बेचारे रोड पे रहते हैं। हालत देखना एक बार, हालत देखो एक बार, देखो कैसे फुटपाथ पे, देखो देखो एक वो मारी, देखो। आखिरकार हमारा देश कब जगेगा? आखिरकार हमारे भाई सपोर्ट कब करेगा? आखिरकार आप लोगों से बात पूछना चाहता हूँ। वीडियो इतनी शेयर करना, इतनी शेयर करना ताकि पूरे हिंदुस्तान में ये वाली वीडियो जा सके और इन जैसे गरीब लोग जो हमारे देश में लाखों हजारों आदमी, उनको सपोर्ट मिल सके। आप लोग का कर्तव्य बनता है वीडियो को शेयर करना।